राजस्थान में जो चुनाव हुआ, वो अब की बार का चुनाव, राजस्थान की गुड गवर्नेंस 5 साल की, कोरोना काल में जो बेहतर कार्य हुए, लोगों की जानें बची, कोई भूखा नहीं सोया, और जो बजट आया और जो योजनाएं, फ्लेक्सिब योजनाएं जो लागू की गई, वो राजस्थान में नहीं बल्कि अपितु पूरे देश में चर्चा का विषय थी। वो राजस्थान का मॉडल गुड गवर्नेंस और जो योजनाएं थी उसका पूरे देश में चर्चा ही नहीं बल्कि उसको अंगीकार करने के लिए भी होड़ मची हुई है। ऐसे में मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी की जो हमारी 4000 किलोमीटर जो भारत जोड़ो यात्रा निकली और उसमें जो मुद्दे राहुल गांधी जी ने लिए, उनको भी लोगों ने स्वीकार किया। जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जो बात थी, उसको भी लोगों ने बहुत दिल से लेकर के और अत्यधिक मतदान में उनको प्रेरित किया उस बात ने भी। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार की पहले 10 गारंटियां महंगाई राहत कैंप के द्वारा और फिर 7 गारंटियां जिस प्रकार से आगे वादा किया गया, जनता ने उस पर विश्वास किया है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की आपसी फूट, आपसी कलह, जो 7-8-9 मुख्यमंत्री स्वयंभू मुख्यमंत्री बने हुए थे, उनसे वो राजस्थान की जनता के कोई भी मुद्दा उन्होंने 5 साल में प्रतिपक्ष के रूप में नहीं उठाया, उससे जनता नाराज थी। और कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी की योजनाओं से वो प्रभावित थी, इसलिए जो मतदान हुआ वो कांग्रेस के पक्ष में हुआ है। और राजस्थान में निश्चित रूप से 3 तारीख को जब मतदान का काउंटिंग होगी तो उस काउंटिंग में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जो जनता ने मत दिया है वो जनता ने, जो राजस्थान की सरकार ने अच्छा काम किया और संगठन और सत्ता ने समन्वय के साथ में जिस प्रकार से लोगों की सेवा की है, लोगों के बीच में रहे हैं और योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने का जो काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है, उनके बलबूते पे, उनके विश्वास पे, उनकी ऊर्जा से मैं ये पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पुनः बन रही है।